तीसरी पार्ट मतलब तो सेकंड पार्ट है बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं से पावर गेन करते हैं या पावर गेन करने का प्रयास करते हैं। उसमें क्या होता है कि संतुलन को दो तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो तरीका यह है, एक तो मतलब जो सिंगल जो राष्ट्र होते हैं यानी जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से कंपटीशन करता है और शक्ति संचय करता है, और एक दूसरा जिसको हम सरल शक्ति संतुलन कहते हैं, और दूसरा होता है कि जो मल्टीपल नेशंस हो जाते हैं मतलब बहुराष्ट्रीय बहुराष्ट्र जिसको बोलते हैं, कई राष्ट्र मिलकर के और दूसरे राष्ट्रों से शक्ति संतुलन करने की प्रक्रिया को स्थापित करते हैं, उसको हम जो है बहुत जटिल शक्ति संतुलन कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे शक्ति संतुलन की प्रक्रिया को प्रायः जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जगत के राष्ट्र हैं वह इसके प्रवाह को बढ़ाते रहते हैं। तो इसके बारे में कई वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग राय दी है, लेकिन सबका अगर हम सार देखेंगे निचोड़ देखेंगे तो एक ही होता है, एक रस उभर के आता है। जैसे कि राष्ट्र परिवारों के मध्य एक ऐसी साम्यवस्था बनाए रखना जिससे कि कोई भी राष्ट्र अत्यधिक शक्तिशाली न हो पाए, यानी ये शक्ति संतुलन जो है पावर इक्विलिब्रियम की बात करता है, शक्ति की साम्यवस्था की बात करता है, शक्ति की तुल्यभारिता की बात करता है। तो अगर जैसे कि सरल और जटिल शक्ति संतुलन के बारे में हमने बताया, तो उसमें सरल में जैसे एक राष्ट्र है विश्व में जैसे अमेरिका को अगर आप उदाहरण स्वरूप लेते हैं, और दूसरा एक राष्ट्र है जो सुपर पावर की श्रेणी में था लेकिन अब उसको नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुपर पावर से कम नहीं है वर्तमान में, तो अब शक्ति की प्रतिस्पर्धा दोनों राष्ट्रों के मध्य प्रारंभ थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात, लेकिन अब धीरे धीरे दोनों राष्ट्रों ने यानी दोनों महाशक्तियों का नाम संज्ञा दे सकते हैं, दोनों महाशक्तियों की बात कर सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में शक्ति संचय किया, उसमें उनका चाहे परमाणु परीक्षण से संबंधित रहा हो या हथियारों का जो दौड़ है आर्मामेंट रेस है उसमें उन्होंने जबरदस्त हिस्सेदारी की, वह क्योंकि आपस में शक्ति संतुलन कायम रह सके। तो अगर जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो तो आपस में प्रतिस्पर्धा के तहत अपने शक्ति को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन जो छोटे राष्ट्र हैं, अब छोटे राष्ट्र का क्या है, छोटे राष्ट्र से प्रतिस्पर्धा तो छोटे ही राष्ट्र से हो सकता है, किसी बड़े राष्ट्र से नहीं हो सकता। कारण यह है कि जो छोटे राष्ट्र हैं वह किसी बड़े राष्ट्र से मुकाबला नहीं कर सकते, यानी उनकी आर्थिक स्थिति उनके मुकाबले कई गुनी छोटी है, उनकी आर्थिक स्थिति मतलब काफ़ी कमजोर है, यानी उनको वह किसी दूसरे पर निर्भर है, यानी उनको अगर कोई राष्ट्र उनकी मदद करता है तो वह अपनी शक्ति में वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के बाद उस बड़े राष्ट्र से मुकाबला करने का प्रयास कर सकते हैं, मतलब उसमें कंडीशन है, क्योंकि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो एक्सपेरिमेंटल है, प्रयोगात्मक है कि अगर कोई प्रयोग विधि अपनाते हैं या कोई उनके बीच कोई भेद छिड़ता है या उनके भूमि पर या जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करता है तब वह देखने को मिलता है, अन्यथा कोल्ड वॉर की स्थिति बनी रहती है, मतलब उनकी वैचारिक युद्ध की स्थिति बनी रहती है। तो ये आपका प्रतिस्पर्धा बड़े राष्ट्र और छोटे राष्ट्रों के मध्य होता है। अच्छा, जैसे कोई बड़ा राष्ट्र जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य अगर हम शक्ति संतुलन की बात करते हैं, तो भारत चूंकि पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है और भारत की मिलिट्री भी बड़ी है और भारत की जनसंख्या भी बड़ी है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, यानी भारत से पाकिस्तान को मुकाबला करने में बहुत विकट स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भारत किसी भी स्थिति में
पाकिस्तान किसी भी स्थिति में भारत से मुकाबला कर सकने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो भारत से सख्त संतुलन को कायम करने के लिए वो चीन का सहारा लेता है, या कभी वो सोवियत संघ से, सोवियत संघ कह रहे हैं, रूस से वो सहायता लेने का प्रयास करता है कि हम बड़ी शक्तियों से कुछ ना कुछ बदल दें। तो अब चूंकि चीन जो है पाकिस्तान को मदद कर रहा है और चीन जो है रूस से मदद ले रहा है, तो इस तरीके से एक सख्त संतुलन की चैन बनाने का पाकिस्तान भी प्रयास कर रहा है। प्लस जितने भी मतलब हथियारों का जो भंडारण पाकिस्तान कर रहा है वो चाइना के थ्रू ही कर रहा है। अब या कुछ ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को मदद करते हैं, जैसे तुर्की है, तुर्की जैसे देश पाकिस्तान को मदद करते हैं, और भी कुछ ऐसे कंट्री हैं जो जैसे छिपे तौर पे सामने नहीं ना आके वो भी पाकिस्तान की मदद करते हैं। तो इस तरह के तो पाकिस्तान भी भारत से सख्त संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। इसके बाद आगे आप देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, प्रश्न ये उठता है कि सख्त संतुलन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो ये 15वीं शताब्दी में यूरोपियन कंट्री के मध्य जो प्रतिस्पर्धा थी शुरू हुई थी, वहाँ से सख्त संतुलन का कॉन्सेप्ट आया और धीरे धीरे ये विश्वव्यापी हो गया। और इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो अमेरिका और रूस जो दोनों महाशक्तियाँ पूर्व की रही हैं उनके द्वारा स्पष्ट रूप से देखने को मिली और धीरे धीरे मतलब इसकी व्यवस्था आगे बढ़ती गई। अब इसके कुछ डिफिनेशंस हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। जो मैं अभी बताया था कि वही एडिकेशन है कि राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच, इसको हिंदी में भी आप देखना, राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी उचित संव्यवस्था बनाए रखना जिसमें उनमें से कोई भी राष्ट्र इतना शक्तिशाली ना हो कि अपनी इच्छा को दूसरे पर थोप सके। इसके दो पार्ट हैं, बैलेंस ऑफ पावर की पॉलिसी एम टू ब्रिंगिंग अबाउट ए सर्टेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉलिसी एम टू ब्रिंगिंग अबाउट ए सर्टेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर सेकंड,
हिंदी बताओ। हाँ हिंदी में लिखो, राज्य में संघ के वितरण पर जोर देने वाली नीति। राज्य, राज्य में शक्ति के वितरण पर जोर देने वाली नीति। और सेकंड है कैन अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का समान वितरण। नंबर वन सिंपल बैलेंस ऑफ पावर। ये जैसा कि मैंने बताया कि ये सरल शक्ति संतुलन के बारे में, ये सिंपल बैलेंस ऑफ पावर, इसको आप लिखें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिटवीन टू स्टेट्स और टू अपोजिट ग्रुप्स। इसमें मेनी पावर सेंट्रल कंट्रीज होते हैं, जैसे आप हिंदी में से लिखें, इसमें बहुत से राष्ट्र या राष्ट्र समूह एक दूसरे को सम्मिलित करते हैं। इसमें बहुत से, हाँ कलेक्टिव डिफेंस का इसी से मिलता जुलता पार्ट। इसमें बहुत से राष्ट्र या राष्ट्र समूह एक दूसरे को सम्मिलित करते हैं। नंबर थर्ड कॉम्प्लेक्स बैलेंस ऑफ पावर। जब दो राष्ट्रों में शक्ति का वितरण हो इतना तो समझ में आ गया। फॉर्म्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर जियोग्राफिकल। सेकेंड कॉन्टिनेंटल बैलेंस महाद्वीपीय संतुलन। और वर्ल्ड वाइड
समस्याओं में उलझा रहा और विश्व स्तर पर किसी भी तरह का किसी भी बड़े युद्ध में वो प्रतिभाग नहीं कर पाया क्योंकि उनके पास कई देशों के पास मिलिट्री नहीं आती मिलिट्री और वर्ल्ड वाइड बैलेंस जो उसी का एक बड़ा रूप है ध्रुव व्यवस्था का तो इसमें इसका ज्योग्राफिकल जो है सिचुएशन ऐसे ही आगे मतलब बढ़ता रहा और हमें लगता है कि बैलेंस ऑफ पावर युद्ध को टालने में पूरी तरीके से सफलता तो नहीं प्राप्त किया है लेकिन हाँ है कि आंशिक रूप से जरूर सफल हुआ है। मेथड ऑफ मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर सख्त संतुलन को कैसे बनाया रखा जाए उसके ये तरीके हैं जिसमें आप नंबर वन आर्मामेंट कलेक्शन आयुधों का भंडारण डोमिनेंस ऑफ मेनी रीजन अधिकारिक क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाना नंबर सेकंड मेनी रीजन्स अधिकारिक क्षेत्र पर प्रभुत्व बनाना नंबर थर्ड एलायंसेस मैत्री संधियां इंटरवेंशन एंड वार हस्तक्षेप एवं युद्ध नेक्स्ट न्यूट्रल और बफर स्टेट एंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शक्ति का वितरण जैसा कि मैंने बताया था कि राष्ट्र जो है पावर गेन करने के लिए पावर गेनिंग के लिए वह प्रयास करते हैं तो उसी के क्रम में ये आर्मामेंट कलेक्शन है अब जिसके जिस तरह के सोर्सेज होते हैं वह उस सोर्सेज से हथियारों का कलेक्शन करता है अथवा उसमें ये भी होता है कि जैसे कोई राष्ट्र का कोई दुश्मन राष्ट्र तो वह जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है नियम कानून जो बने हुए हैं जो वियना में तमाम इस तरह के कन्वेंशन हुए हैं जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के प्रतिकूलन करके मतलब बैकडोर से हम कह सकते हैं उसको कि बैकडोर से हथियारों की सप्लाई करते हैं ताकि उस देश के आंतरिक व्यवस्था को तहस नहस किया जा सके उसके आंतरिक व्यवस्था कैसे तहस नहस हो सकता है उसके सोशल स्ट्रक्चर को बिगाड़ना उसके आर्थिक स्ट्रक्चर को तोड़ना या उसकी
अन्य सारी जो व्यवस्थाएं जो है सुरक्षा से संबंधित उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास करना। तो तीन चार ऐसे तरीके हैं कि जिससे जो है सख्त संतुलन को स्थापित या उसको तोड़ने का प्रयास किया जाता है। जैसे कोई शक्तिशाली राष्ट्र है तो आप कोई कमजोर राष्ट्र है तो कमजोर राष्ट्र जो है शक्तिशाली राष्ट्र को दूसरे माध्यमों से यानी कई ऐसे जो माध्यम होते हैं जो बैक चैनल्स होते हैं उसके उस रास्ते से जैसे अब सीधा हम बोल देते हैं कि आतंकवाद के ही माध्यम एक तरीके से समझ लीजिए या मादक द्रव्यों की तस्करी। भाई उस कंट्री में पंजाब की स्थिति आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ पे बड़े पैमाने पर लोग मादक द्रव्यों का सेवन करना शुरू कर दिए तो इससे क्या हुआ कि पंजाब के जो युवा हैं उनके पास जो पॉजिटिव एनर्जी थी जिसके लिए वो बहुत अच्छा काम कर सकते थे तो वह नहीं कर पा रहे हैं यानी कहीं कहीं से पंजाब को कमजोर करने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसी तरीके से राष्ट्र के अन्य भी बहुत सारे हिस्से हैं कि जहां पर उसको कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। तो अगर कोई कमजोर राष्ट्र है वो दूसरे से सहायता लेकर किसी बड़े राष्ट्र को कमजोर करने का प्रयास करता है और अपनी सख्त संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। तो और जैसे आयुधों का भंडारण की बात है तो जैसे आर्म्स एंड एम्युनिशंस का सबसे ज्यादा अमेरिका ने पाकिस्तान को सप्लाई किया ये समझिए कि 80s से लेकर के और हमारे ख्याल से 2000 कारगिल वार से पहले तक अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर सहायता दिया। अब क्यों दिया इसलिए दिया कि साउथ एशिया में भारत एक बहुत बड़े ताकत के रूप में उभर रहा था तो इस संतुलन बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए उसने पाकिस्तान को आर्म्स एंड एम्युनिशंस का बहुत प्रचुर मात्रा में सहायता किया। हालांकि पाकिस्तान तो शुरू से ही आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर राष्ट्र रहा जैसे उसके पास जो उसकी अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से शुरुआती दौर से वह सहायता पर ही निर्भर है। अगर अभी जो चाइना का सपोर्ट ना करे सऊदी अरेबिया से भी कुछ उसको सपोर्ट ना मिले तुर्की वगैरह से कुछ सपोर्ट ना मिले तो पाकिस्तान की स्थिति और ज़्यादा कम हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था जो है उस पर ग्रे लिस्ट पे उसको डाला हुआ है तो अब शायद ब्लैक लिस्ट होने के कगार पर भी है अभी बहुत लेटेस्ट अपडेट हमें नहीं मालूम है लेकिन ऐसी स्थिति क्यों है इसलिए कि वह दूसरे पर निर्भर है। कोई भी व्यक्ति जैसे हम इंडिविजुअल्स को भी अगर ले लेते हैं जैसे हम लोग हैं आपस में यहाँ पर बैठे हुए हैं अगर हम दूसरे के सहायता पर निर्भर हो जाते हैं यानी कोई हमको पैसे देने लगता है कोई भी चीज़ देने लगता है बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी अगर उपलब्ध कराने लगता है तो हम सोचते हैं कि हम क्यों लैपटॉप खोलें क्यों नेट पर ढूंढें कि हमें ये बुक चाहिए हमको ऐसी बुक चाहिए हमें तो किसी न किसी तरह मिल ही जाएगा। इसी तरीके से मेहनत करने वाले जो राष्ट्र हैं जो रात दिन मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं और प्लस कोई सहायता पर निर्भर है कि हमें फला देश जो है सहायता देगा तो क्यों देगा इसलिए देगा कि हम उस देश को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे। भाई भारत को अस्थिर करने का प्रयास अगर पाकिस्तान करता है तभी तो उसको बहुत सारी जगहों से पैसे मिलते हैं और इसलिए मिलते हैं कि कोई बड़ा देश हो दक्षिण एशिया में सुपर पावर बनने के कगार पर उसको कैसे कमजोर किया जाए। तो इस तरीके से समस्याएं आती रहती हैं और आगे वो बढ़ती रहती हैं। नंबर टू इसमें है डोमिनेंस ऑफ मेनी रीजन्स मतलब अधिकाधिक क्षेत्रों पर प्रभुत्व जमाना। तो इसमें चीन का उदाहरण दे सकते हैं कि चीन एक ऐसा
कि जिसकी नीतियां जो है विस्तारवादी हैं और हमेशा से विस्तारवादी रही हैं, जब उसको 1949 में जब आज़ादी मिली उसके बाद से ही उसने अपने जो उसकी एक पॉलिसी थी जो माओ ने जो बनाई थी उस पॉलिसी के तहत काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने ताइवान और इन सब चीज़ों देशों पर को अपने प्रभुत्व में रखने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से वो और भी जैसे क्षेत्रीय पाकिस्तान भी उसी का आज एक तरीके से कह लो कि सैटेलाइट है, उपनिवेश की तरह काम करता है। हालांकि अपने पाकिस्तान को उसके बदले में उतना नहीं मिल पाया कि जितना पाकिस्तान ने चीन को दिया है, जिसका सीपैक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसके नाम से आप लोग जानते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, प्लस अक्साई चीन का जो क्षेत्र जो चीन ने भारत से कब्जा कर लिया, तो वे हमेशा अपने क्षेत्र विस्तार में लगा रहता है कि हम इतने ज़्यादा शक्तिशाली बन रहे हैं कि हमारा कोई राष्ट्र मुकाबला न कर सके। और चूंकि साम्यवादी होने के नाते वो रूस से भी अपना संबंध स्थापित करना चाहता है और करता है कि जिससे कि अगर जरूरत पड़ने पर रूस हमारी मदद कर सके। लेकिन चीन और रूस के बीच में भी एक बॉर्डर का डिस्प्यूट है जिसकी वजह से रूस जो है कभी चीन पर भरोसा नहीं किया, साम्यवादी होने के बावजूद भी भरोसा नहीं किया। हालांकि वो मानते हैं कि आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, इस विचारधारा के अंदर जो बातें हैं अगर सेम विचार है तो विचारधारा है तो उससे देश जो आपस में एकजुट हो जाते हैं। तो लेकिन रूस और चीन जो है कभी नहीं हो पाए। और आप देखते हैं कि भारत से रूस की बहुत अच्छी मैत्री है और हर समय हर संभव सहायता रूस प्रदान करता है भारत को। अभी S-400 और अभी S-500 की बात हो रही है, तो इस तरीके से भारत से रशिया के बहुत अच्छे संबंध हैं और भारत अपनी ताकत को दक्षिण एशिया में काफ़ी तेजी से बढ़ा रहा है। और इसलिए बढ़ा रहा है कि भारत को सिर्फ एक देश से सख्त संतुलन नहीं कायम करना है, भारत को कई देशों से सख्त संतुलन कायम करना है। उसके बाद होती है अलायंसेज के बारे में अभी थोड़ा सा मैंने उल्लेख किया था कि नाटो सीटो सेंटो वार्सा पैक्ट इस तरह की जो संधियां होती हैं, संधियां करके ग्रुप बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम हमारी किसी देश से मैत्री है तो हमारे मैत्री को संतुलित करने के लिए जो अमुक देश है, हमारा दुश्मन देश है जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमारा दुश्मन देश है, वह कई देशों से मैत्री संधियां स्थापित कर सकता है। जैसे पाकिस्तान का हम लोग एग्जाम्पल दिए या यूरोप के भी ऐसे कई ऐसे कंट्री हैं कि जो एकजुट होने का प्रयास करते हैं किसी बड़े राष्ट्र से मुकाबला करने के लिए। विश्व युद्धों के दौरान आपने देखा होगा कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र इस तरीके से बन करके और वर्ल्ड वार लड़े, तो इस तरीके से मैत्री संधियां भी जो है आगे जो है इसके लिए संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत मायने रखती है। और इसके बाद नेक्स्ट है इंटरवेंशन हस्तक्षेप। हस्तक्षेप के बारे में ये कहा जा सकता है कि जो बड़े राष्ट्र हैं हमेशा सख्त संतुलन बड़े और जबकि बात होगी तो बड़े छोटे और मझोले राष्ट्रों की ही बात होगी, तो इसमें क्या होता है कि हस्तक्षेप करके बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्र कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करके फिर वो अपनी उसकी भूमि पर जब आकर के अपने क्षेत्र का विस्तार कर करके और फिर वो दूसरे राष्ट्र का संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। और कभी कभी जरूरत पड़ने पर वो युद्ध भी छेड़ देते हैं। इसके बाद आता है बफर स्टेट, तटस्थ या मध्यवर्ती राज्य, न्यूट्रल और बफर स्टेट। बफर स्टेट जैसे दो राष्ट्रों के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए मध्यवर्ती
निर्माण या बिजली के क्षेत्र में, डाक का, सभी क्षेत्रों में दोनों राष्ट्र जो है उसको प्रभावित करने के लिए काम करते रहते हैं। जैसे आप ये देखें कि भारत और चीन के मध्य ये नेपाल एक बफर स्टेट है, मध्यवर्ती राज्य है, तो भारत और चीन में दोनों में मतलब एक कोड लगी रहती है कि उसको हम किस तरीके से मतलब प्रभावित करके अपने पक्ष में रखें। तो आप अच्छा चीन नेपाल का स्वभाव भी आप ये देखते होंगे कि कभी वो चीन की तरफ ज़्यादा चला जाता है और कभी भारत की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से भारत और चीन के मध्य में भी वो संतुलन कायम करने की स्थिति हो जाती है। उसके बाद डिसआर्ममेंट है, तो डिसआर्ममेंट भी इसका एक पहलू है साबित करने के तरीकों में। कारण ये है कि जैसे डिसआर्ममेंट मतलब आपको जानते हैं निःशस्त्रीकरण, यानी इसके लिए साल्ट वन साल्ट टू स्टार्ट वन स्टार्ट टू रिक्जाविक से करवाता और इस तरीके की वार्ताएं महाशक्तियों के मध्य होती रही हथियारों के प्रति करने के लिए। लेकिन इसका ये कारण ये कि हथियारों को जो भविष्य में जो हमारे पास हथियार ऑलरेडी मौजूद हैं और भविष्य में जो बनने वाले हथियार हैं उसको उसमें भी कटौती, तो जो हमारे पास हथियार मौजूद है यानी ये एक संतुलन का एक तरीका ये रहा महाशक्तियों के मध्य। वर्ल्ड वार के दौरान ही शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियाँ प्रतिस्पर्धा तो एक दूसरे में थी लेकिन उसके बावजूद वह हथियारों में कटौती के लिए अपनी वार्ताओं को प्रारंभ रखा। उसमें उन्होंने पहला साल्ट किया स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉप ट्रीटी शायद वो, फिर उसके बाद सेकंड साल्ट सेकंड, फिर स्टार्ट वन स्टार्ट टू स्टार्ट थ्री की पांच वार्ताएं लगभग हो चुकी है। तो निःशस्त्रीकरण जो है मतलब ये दो शब्द है, एक है निरस्त्रीकरण और एक है निःशस्त्रीकरण, लेकिन ये दोनों एक ही है, दोनों का आशय एक ही है। डिसआर्ममेंट और आर्म्स कंट्रोल है जो सख्त नियंत्रण, यानी भविष्य में जो बनने वाले हथियार हैं उनमें नियंत्रण जो किया जाए वो सख्त नियंत्रण इस श्रेणी में आएगा, और जो हथियार मौजूद है मौजूदा दौर के जो हथियार उपलब्ध हैं उनमें कटौती अगर हम करते हैं उन हथियारों को, यानी उसको तमाम ऐसे जो वेपन्स हैं जिसको हम उसको कैसे प्रो करेंगे, यानी हम उसको कहीं समुद्र के अंदर ले जाके उसको डिफ्यूज कर देंगे अगर हमारे पास कुछ एटॉमिक वेपन्स हो गए हैं, या जो हथियार पुराने पड़ जाते हैं उसको कहीं ना कहीं उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका की बात है कि बहुत सारे अमेरिकी वेपन्स हैं और उसका जो है रिमोट अमेरिका के हाथ में है तो उसको हम खत्म कर देंगे। खत्म हुआ नहीं हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन इस तरह की वार्ताएं चलती रहती है आवश्यक संतुलन स्थापित करने के लिए। अब नेक्स्ट
प्रीजर्वेशन ऑफ पीस, प्रीजर्वेशन ऑफ पीस। पहले आप पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। नंबर सेकंड, हेल्पफुल टू वर्ल्ड सिक्योरिटी। हेल्पफुल टू सर, हेल्पफुल टू वर्ल्ड सिक्योरिटी। नंबर थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। Avoid from arms race. Yeah, avoid from arms race. Avoid of? Avoid from arms race. Helpfully अवॉइड फ्रॉम आर्म्स रेस, आर्म्स रेस शस्त्रों की होड़, शस्त्रों की होड़ से दूर रहना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है उन इन डिसआर्ममेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स। Escape from war. Escape from war. Next, confidence building among the nation. Confidence building among the nations. तैनात थी,
और मीडिया की रिपोर्टें भी आनी शुरू हो गई थी कि आज वार हो जाएगा, आज रात में वार छिड़ जाएगा, तो कल हो जाएगा, तो परसों हो जाएगा, लेकिन वार नहीं हुआ। इसका एकमात्र कारण ये जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं संसदन, ये संतुलन की वजह से, क्योंकि कहीं न कहीं से विश्व की बड़ी शक्तियां जो है वह निगाह अपनी गड़ाए हुए थे और वह देख रहे थे कि अगर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध छिड़ता है तो कहीं ऐसा ना हो कि यह विश्व युद्ध का रूप धारण कर जाए, क्योंकि भारत के भी एलाइज हैं और पाकिस्तान के भी एलाइज हैं, उनको भी सपोर्ट करने वाले न्यूट्रलाइज स्टेट्स हैं, चीन शक्तिशाली एक देश उसके साथ है, तो और चीन के बारे में तो लोग बहुत, उनके दिमाग में बहुत सारी कल्पनाएं हैं कि चीन एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसके ही चलते अगर भविष्य में विश्व युद्ध होगा तो हो सकता है। तो इस तरीके से विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए सख्त संतुलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये भारत की सीमाओं की बात हम लोग किए हैं कि उदाहरण स्वरूप लिए विश्व के अन्य देशों में अगर आप जाइए तो वहाँ भी इस तरह की बातें हुई हैं। कारण यह है कि वियतनाम ने अमेरिका को चुनौती दिया, इराक, अभी जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उस पर अमेरिका बहुत कोशिश किया कि इसके प्रोग्राम को जहां तक है वहीं पर रोका जाए या उसके प्रोग्राम को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए, या ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने कई बार सोचा लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। यह किसके कारण हुआ? सख्त संतुलन के कारण हुआ। इसी तरीके से आप विश्व में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि कोई बड़ा युद्ध अगर नहीं हुआ तो सख्त संतुलन के वजह से नहीं हुआ, क्योंकि जो एक हम लोग अपने डिफेंस में पढ़ते हैं भयावहन, हाँ डिफरेंस, तो डिफरेंस ही एक सख्त संतुलन का ही रूप डिफरेंस ही है। और जैसा कि आपने कलेक्टिव सिक्योरिटी कलेक्टिव डिफेंस की बात की तो वो भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। तो उसमें कलेक्टिव डिफेंस में तो ये है कि वो तो तात्कालिक होता है कि जैसे हम किसी के विरुद्ध हम इकट्ठा हो गए, यानी कोई हमला राष्ट्र के विरुद्ध हम इकट्ठा हो गए, लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी में ये होता है कि हम किसी आक्रांता की पहचान करने का प्रयास करते हैं, यानी वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। तो जो आक्रमणकारी देश है उसको हम पहचानने की कोशिश करते हैं और फिर उससे निपटने का प्रयास करते हैं सामूहिक रूप से, लेकिन कलेक्टिव डिफेंस में होता है कि हम इकट्ठा होकर प्रतिकार करते हैं। और उसी से आगे मतलब सेकंड पॉइंट है कि हेल्पफुल फॉर वर्ल्ड सिक्योरिटी, यानी पूरे विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए सख्त संतुलन होना का होना बहुत आवश्यक है। यानी सख्त संतुलन इसी कारण जो विश्व के राष्ट्र हैं वो सख्त संतुलन बनाए रहने का प्रयास करते हैं। और तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सख्त संतुलन से जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं वो भी कायम रह सकता है। और चौथा है अवॉइड फ्रॉम आर्म्स रेस, यानी शस्त्रों की दौड़ में से मतलब दूर रहने का भी प्रयास राष्ट्र करते हैं कि जिससे कि सख्त संतुलन कायम रह सके। उसके बाद आता है हेल्पफुल फॉर डिसआर्ममेंट, निःशस्त्रीकरण के लिए भी सख्त संतुलन का होना बहुत आवश्यक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट, राज्यों की सुरक्षा के लिए भी सख्त संतुलन का होना बहुत आवश्यक है। और युद्ध से बचाव के लिए इसके अपार, जैसा कि मैंने अभी तमाम देशों का जिक्र किया कि कैसे सख्त संतुलन बनाए रखने का प्रयास किए और मतलब बड़े युद्ध नहीं हो पाए, इन्हीं कारणों की वजह से बड़े युद्ध नहीं हो पाए। उसके बाद है
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अमंग द नेशंस और अन्य जो राष्ट्र हैं जो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो में जितने भी विश्व के जो राष्ट्र हैं उनके बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और ताकि मतलब भविष्य के में आने वाले युद्धों को टाला जा सके। ये आपका इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए तो उसका समाधान ढूंढा जाए। Thank you.